तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये डाटा रिकवरी के ऊपर होने वाला है। आप सब लोग पास में आ जाओ ताकि सबको एक साथ दिखाई दे। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है डाटा रिकवरी के ऊपर टॉपिक होने वाला है कि हम लोग मोबाइल फ़ोन का ना डाटा कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी कस्टमर है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन लेकर जाता है, कहता है मुझको इस मोबाइल फ़ोन का डाटा निकलवाना है, उस डाटे में आपका फ़ोटोज़ वगैरह भी होती हैं, वीडियोज़ वगैरह होते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं, या और भी बहुत सारा पर्सनल डाटा होता है, वो सारा डाटा हम लोग कैसे निकालेंगे इसका आज हम तरीका सीखेंगे। सबसे पहले कोई भी जब आप डाटा निकालना चाहते हो, डाटा निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है कि आपको MMC उतारना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? MMC उतारना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन का जो बोर्ड है, और इस बोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, इस MMC को उतारेंगे। MMC उतारने के बाद उसके डाटा को क्या करेंगे, रीड करेंगे और डाटा निकालेंगे किस तरीके से हम लोग डाटा को निकालते हैं। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो में चलते हैं। जैसे मान लिया आपके मोबाइल फ़ोन में ये MMC IC लगा, ये MediaTek लगा CPU, ये तुम्हारा MMC IC सैमसंग कंपनी का MMC लगा हुआ है। डाटा निकालने के लिए सबसे पहले आप पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इस पेस्ट के माध्यम से आप क्या करेंगे, इसमें पेस्ट लगा देंगे। ये पेस्ट क्या करता है, ये तुम्हारा MMC को ढीला कर देगा, लूज कर देगा। ऐसे चाहो तो आप इसको चिमटे से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप ब्लेड्स होते हैं, आप ब्लेड के माध्यम से आप इसको ऐसे अंदर करोगे, ब्लेड आपके अंदर चले जाएंगे, अंदर जाने के बाद MMC को ऐसे निकाल के पलटा दोगे, ठीक आराम से निकल आएगा। अगर आप चिमटी के पीछे ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। सबसे पहली बार हम निकालने के लिए आपको हॉटगन मशीन यूज करेंगे। हॉटगन मशीन को ऑन करेंगे। हॉटगन मशीन IC को निकालते समय आपका टेम्परेचर 380 होना चाहिए। देखें जैसे पिघल जाएगा तो पानी हो जाएगा। ये MMC तुम्हारा निकल के बाहर आ गया। ये बिल्कुल ब्लेड के माध्यम से आप आसानी से कोई भी MMC IC होती है, MMC IC को आराम से आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें पेस्ट लगाएंगे। क्या करेंगे, पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद हम लोग MMC IC की जितनी सारी पिन है सारी पिनों को साफ करेंगे। ऐसे यहाँ पर जब भी हम साफ करते हैं तो हाथ हमारा बिल्कुल आराम से चलता है, मक्खन की तरह ऐसे ताकत नहीं लगाते हैं। बुलाओ PPT लाओ, निकालो, बंद हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी ऑटोमेटिक। हल्का सा PPT ले लेते हैं। PPT लेने के बाद जितनी भी IC की सारी पिनें होती हैं सारी पिनों पर ऐसे हल्का सा PPT लगा देते हैं। आप देखिए जब आप इसको ज़ाप करेंगे तो जो बॉलें होंगी बिल्कुल राउंड राउंड हो जाएंगी, अच्छे से चमक जाएंगी। देखो ऐसे जैसे आप इसको साफ करेंगे तो सारी पिनें साफ हो जाएंगी। साफ होने के बाद क्या करेंगे, जितने भी सारी पिनें हैं सारी पिनों को आप क्लीन करेंगे।
ऐसे ब्रश लेंगे, ये सारी पिनों को साफ कर लिया, चमक गई सारी पिनें। सारी पिन साफ करने के बाद फिर हम लोग स्टेंसिल का प्रयोग करेंगे। स्टेंसिल लेना, हम लोग क्या करेंगे स्टेंसिल में क्या करेंगे, पहले इसको सेट करेंगे। ये देखेंगे सेट करेंगे कहाँ पर हमारी आईसी सेट हो रही है, जैसे इस वाली खांचे में सेट हो रही है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टेंसिल की जितनी पिनें होती हैं सारी पिनों को अच्छे से आप साफ कर लेंगे। अगर इनमें कार्बन होगा गंदगी होगी तो दिक्कत करेगा, आईसी बनने में रिवॉल्व होने में समस्या आएगी। जब भी आप इसको साफ करेंगे तो साफ करते समय आप ध्यान रखेंगे इसमें एक भी छेद बंद नहीं होना चाहिए, आराम से स्मूथली साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद आप हल्का सा क्लीनर ब्रश लेंगे, क्लीनर ब्रश से भी आप इसको क्या करेंगे साफ कर लेंगे। आज की वीडियो में हम लोग आईसी को रिवॉल्व कैसे करते हैं ये भी पूरा कवर करने वाले हैं, ये भी सीखने वाले हैं। और दूसरी बात क्या ये सीखने वाले हैं कि आईसी का डाटा कैसे निकाला जाता है। भाई कोई भी डाटा जब आप निकालोगे तो आपको आईसी रिवॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बिना रिवॉल्व करे कैसे डाटा निकालेगा। ये हमारे इसमें सेट हो गई, ऐसे सेट हो रही तो ऐसे सेट कर दीजिए, ऐसे सेट हो रही तो ऐसे सेट कर दीजिए। जिस तरीके से सारी पीने बराबर दिख नहीं है ऐसे आप सेट कर दीजिए। जब आप ऐसे सेट कर देंगे तो सेट करने के बाद डॉक्टर टेप लाएंगे। हम लोग इसको रिवॉल्व करने के लिए पहले इस पीपीटी को ड्राई कर लेते हैं। पीपीटी को ड्राई करने के बाद इस पीपीटी को हम लोग इसके ब्लेड के माध्यम से इसमें लगाते हैं, मतलब जो इसकी पिन्स होती हैं सारी पिनों में हम लोग क्या करते हैं पीपीटी को लगाते हैं। पहली बात तो आप ये चेक कर लीजिए ये प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा, प्रॉपर लगा हुआ। इसके लिए आप लोग चाहो तो एक ऐसा पीस ऐसा स्टैंड भी आता है आप इसका भी यूज कर सकते हो। स्टैंड में ऐसे आईसी के गैप्स बने होते हैं, गैप इसलिए बने होते हैं ताकि आप इसमें चिमटी से दबाओगे तो ये जाली तुम्हारी फूलेगी नहीं। हम लोग क्या करेंगे इसकी सारी पिनों में ऐसे पीपीटी को लगा लेंगे। अच्छा ब्लेड से पीपीटी लगाने में फ़ायदा ये रहता है कि आपका बिल्कुल बराबर लगता है, कोई ऊंचा नीचे नहीं होता, कहीं कम ज़्यादा नहीं होता। फिर आप कपड़े के माध्यम से इसको साफ कर सकते हैं। अब आप हॉटगन लेंगे, हॉटगन लेने के बाद हॉटगन का एयर जो है उसको कम रखेंगे। इसका जो टेम्परेचर है वो हम लोग समथिंग 360 के तकरीबन रखेंगे आईसी को रिवॉल्व करने के लिए। एयर है उसको भी थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक, अब आप क्या करेंगे ट्वीजर की हेल्प लेंगे। ट्वीजर से पहले आप आईसी को क्या करेंगे बैंड ट्वीजर से आईसी को प्रेस कर लेंगे।
जब इसको बैंड ट्वीजर से प्रेस कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे आप, मशीन लेंगे, इसको पहले ड्राई कर देंगे, धीरे धीरे करके सारी बॉलों को बना देंगे। देखो देखो सारी बॉलें बन गई। जब आईसी की सारी पिनों को रिबॉल करेंगे तो आप जो टेम्परेचर रखेंगे 360 रखेंगे, कितना रखेंगे 360। या आईसी रिबॉल रिबॉल करते समय टेम्परेचर है, एयर का प्रेशर है, फिट करने का तरीका है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर ये जब अच्छी तरीके से करेंगे तभी आप आईसीयों को रिबॉल कर पाएंगे, वरना फिर तो आप बनाते रहेंगे और बिगड़ते रहेंगे, काम चलता रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, जितनी सारी पिन है सारी पिनों को हम एक दो बार क्लीन करेंगे। ये देखिए आईसी के सारी बॉलें बन चुकी हैं। सारी बॉल बनने के बाद हम लोग आयरन के माध्यम से जो एक्स्ट्रा बॉल्स होते हैं उन एक्स्ट्रा बॉल को क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। जैसे ही एक्स्ट्रा बॉल, इसको साफ कर लिया, उसके बाद इधर के जो एक्स्ट्रा पिन है इनको साफ कर लिया, इधर साफ कर लिया, जितने भी सारी एक्स्ट्रा पिन हैं सारी एक्स्ट्रा पिन को हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। साफ करने में देखेंगे सारी बॉलें बिल्कुल चमकदार बन गई। ठीक, जब सारी बॉलें बन जाएंगी तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग बॉक्स में रीड करते हैं। अब देखिए डाटा निकालने का तरीका क्या होता है, डाटा कैसे निकाला जाता है। डाटा है इस FI बॉक्स में, अगर आप देखेंगे ये अडेप्टर है। सबसे पहली बात हम अडेप्टर को ओपन करेंगे, इसमें एक IC पहले से लगी हुई है। इस IC को हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेट करेंगे, इसके डिजाइन से डिजाइन को मैच करेंगे। ये आपके IC बैठ गई, बैठने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम लोग अपना लैपटॉप ऑन करेंगे, लैपटॉप ऑन करने के बाद इसको रीड करेंगे। लैपटॉप ऑन करिए, तब इसका पासवर्ड हटा दोगे अभी लोग। अब आप सब लोग बैठ जाइए, फैन ऑन करिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस FI बॉक्स को इससे कनेक्ट करा लेंगे। कनेक्ट कराने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, FI टूल को ओपन करेंगे। FI टूल कहाँ पर दिया हुआ है, अच्छा इसमें FI टूल नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप अपना लैपटॉप दीजिए इधर, इधर हाथ में फोन लिए रहो, यहाँ खड़े होकर बनाओगे तब सही दिखाई देगा। लाओ लैपटॉप तो उठाओ,
इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए आइडेंटिफाई एमएमसी हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये पूरा एंड्रॉयड सिस्टम लिख के आ रहा है चेंजिंग, और ये कोई चोंग वेंग, ये कोई कंपनी का उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, वो चाइनीज कंपनी का मोबाइल फ़ोन है। 4.2 जेली बिन सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको। मीडिया टेक का सीपीयू लगा, एमटी का मतलब होता है मीडिया टेक। ये पूरी डिटेल आ गई यहाँ पर, डिटेल आने का मतलब होता है यूएफआई की डिटेल आ गई। अब देखिए डाटा कैसे निकालेंगे, डाटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर एमएमसी आईसी अगर आप उसका डाटा निकालना चाहते हैं तो डाटा निकालने के लिए यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, यूजर एरिया पार्ट, अब देखो यहाँ पर यूजर डाटा का फोल्डर ही नहीं दिखा रहा है। सॉफ्टवेयर रीड करने के लिए हमको यहाँ पर यूजर डाटा का फोल्डर दिखाना चाहिए, जब यूजर डाटा का फोल्डर आएगा तभी उसमें डाटा आएगा। अब इसमें यूजर डाटा का फोल्डर नहीं है, अगर इसमें यूजर डाटा का फोल्डर नहीं है तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, या तो इसका ओएस करप्ट हो सकता है, या तो इसकी फाइल करप्ट हो सकती है, या तो इसका प्रोग्राम करप्ट हो सकता है। इनमें से कोई भी एक चीज़ क्या हो सकती है, करप्ट हो सकती है। जब ये सारी चीज़ें करप्ट होंगी जिसके कारण से आपके मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर लोड नहीं होगा, जब सॉफ्टवेयर लोड नहीं होगा तो चलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर डाटा फोल्डर को ओपन करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लोर फाइल सिस्टम आता है, क्या आता है, एक्सप्लोर फाइल सिस्टम करेंगे तो ये तुम्हारा डाटा खुल जाता है। क्या खुल जाता है, ये जो सबसे लास्ट फोल्डर होता है यूजर डाटा नाम से होता है, इसके अंदर सबसे पहली बात आपको मिलेगा सिस्टम, कुछ नहीं है। सिस्टम के अंदर सबसे नीचे ऑप्शन में आएंगे, कहीं देखो डाटा या मीडिया नाम का फोल्डर आ रहा है, मीडिया के अंदर जीरो नाम का फोल्डर है, इसमें कह रहा है जीरो आइटम, मतलब कोई फोल्डर नहीं है। इसके अंदर डाटा नाम का फोल्डर खोला, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, मतलब खाली पड़ा हुआ है, वरना इसके अंदर जो भी सारा सॉफ्टवेयर होता है सब यहीं पर दिखाई दे देता है। अब तुम्हारा इसमें कैमरे वैमरे का डीसीएम का ऑप्शन सब इसी के अंदर आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पर डाटा खुल जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर डाटा कुछ मतलब कोई इसके अंदर कोई फोटो फाइल वगैरह सारा सब कुछ नहीं है। अगर फोटो फाइल होता तो यहाँ पर खुल जाता है, लेकिन फोटो फाइल वगैरह नहीं है। जब फोटो फाइल नहीं है तो कोई डाटा यहाँ पर खुल के नहीं आ रहा है। ये 650 MB का, ये देखो ये देखो आ गया। हाँ पड़ा पड़ा है, पड़ा है वो। इसको क्या करना है, अब कहाँ सेव करना अभी बोलेगा, ये डेस्कटॉप में, कहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, इसका नाम देखें डाटा एमएमसी, चलो कुछ भी लिखा हो, ये सेव हो गई। कहाँ पर आ गई, ये वीडियो आ गई।
ये देखो, अब हम लोग क्या करें, ये वहां से फोटो को कॉपी करके डेस्कटॉप में सेव करें। ये कहाँ का है? एमएमसी का है? किसका है? फिर एमएमसी पे गए, ये वाला कॉपी करें, ये वाला है। तो ऐसे इसमें जो भी है तुम्हारा ऑडियो है, अब जैसे मान लो इमेज है, इमेज में कुछ नहीं है, इमेज में कह रहा एक आइटम है, और ऑडियो में कोई सॉन्ग है वो भी नहीं है। अगर होता तो यहाँ पर निकल आता। वीडियो में जैसे इमेजेस दी हुई हैं, इसको जा करके फिर करोगे सेव टू डेस्कटॉप। जैसे सेव टू डेस्कटॉप करोगे तो पूछेगा कहाँ पर सेव करना है, आ गया। अब आपको कहाँ पर सेव करना है? डेस्कटॉप के अंदर डाटा को एमएमसी। चले, हाँ एक साथ नहीं कर सकते भाई, एक एक करना पड़ेगा। ये देखो, ये एंड्रॉयड का ऐसा लोगो है। तो ये जैसे आपने देखा कि ये डाटा आपका निकल आया, तो ये हम लोगों ने क्या सीखा है कि यूएफआई के माध्यम से हम लोग डाटा कैसे निकालते हैं। तरीका समझ में आया? क्या समझ में आया? अब इससे तुम्हारा जो भी फोटो है, जो भी वीडियो है, जो भी गैलरी है, सब डाटा निकाल सकते हो। लेकिन जिसका निकल आता है उसका निकाल पाते हो, 100% सबका नहीं निकलता कि 100% निकल ही आएगा। है? नहीं, किसी किसी में पासवर्ड क्या मांगता है कि जब कोई आदमी कुछ मोबाइल फोन के अंदर हाई सिक्योरिटी आती है तो उसमें पासवर्ड लगा होता है, तो पासवर्ड लगा होता है, डाटा खोलते हो तो डाटा खुलता नहीं, अनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाता है, वो डाटा खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा। तो अपने सॉफ्टवेयर पे गए, ऐसे तुम जो भी इसके अंदर जो भी डाटा दिया हुआ है वो डाटा को खोल सकते हो। डाटा खोलने वाला एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? यूजर एरिया पार्ट। यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे तो ये आपके पार्टीशन खुल जाएंगे। क्या खुल जाएंगे? पार्टीशन खुल जाएंगे। जब पार्टीशन खुल जाएंगे तो यहाँ पर एक यूजर डाटा नाम का फोल्डर आता है। अगर यूजर डाटा नाम का फोल्डर नहीं आता तो इसमें देखो जिसका साइज दिया हुआ, जैसे नहीं 650 MB, 128 MB, तो इसमें सबसे बड़ा साइज किसका है? 650। तो 650 में राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है एक्सप्लोर फाइल सिस्टम। एक्सप्लोर फाइल सिस्टम करेंगे, जैसे एक्सप्लोर फाइल सिस्टम करेंगे तो एक्सप्लोर फाइल सिस्टम के बाद आप यहाँ पर मीडिया नाम का फोल्डर आ जाएगा। मीडिया नाम में तुम्हारा ऑडियो इमेज वीडियो सब भूल गए। तुमको वीडियो करना है तो वीडियो पे कर लीजिए, वीडियो तुमको जो भी निकालना है उस वीडियो को ले लीजिए। लेने के बाद यहाँ से क्या करिए, सेव टू डेस्कटॉप करिए। सेव टू डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप को, डेस्कटॉप के अंदर डाटा सेलेक्ट, भले डाटा तुम्हारे यहाँ से उठ कर गए उसमें चला गया, इसको मिनिमाइज कर लीजिए। ये तुम्हारा क्या डाटा आ गया? ये आ गया है। अब आप क्या करेंगे, कल को अगर फोन बंद कर देते हैं, यू फाई को बंद कर देते हैं, एमएमसी को हटा देते हैं, ऐसे हटा दिया, यू फाई बॉक्स को अलग कर दिया, है ना? अब हमारा जो हमने डाटा निकाला है वो डाटा आपको यहाँ पर आपको हमेशा मिला रहेगा, क्योंकि आपने डाटा को क्या कर लिया है, बैकअप ले लिया है। इसी को बोलते हैं डाटा निकालना। मोबाइल फोन में डाटा निकालने का समझ लीजिए पैसा अनाप शनाप लिया जाता है। अनाप शनाप को मतलब समझ रहे हो? मन चाहे 1000, 1500, 2000, जितना मर्जी जाओ मांग लो, कस्टमर के डिपेंड करता है, डिमांड के ऊपर होता है।
दूसरी बात क्या, डाटा निकालने में समय भी लगता है भाई। डाटा निकालने में क्या समय लगता है कि अगर मान लिया एमएमसी तुम्हारा 4 GB की है, 8 GB की है, 16 GB की है, 32 की है, 64 की है, 128 की, कितना बड़ा एमएमसी लगा है। जितना बड़ा एमएमसी उतना बड़ा साइज, जितना बड़ा साइज उतना बड़ा डाटा, एक साथ नहीं निकलता। एक साथ जिसमें एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा तो निकल आएगा, जिसमें सिलेक्ट ही नहीं होगा तो निकलेगा क्या? ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है कि एमएमसी आईसी से डाटा को कैसे निकालेंगे। अब हमने तो एक बार बता दिया है, अब सब लोग को मैं एक यूएफआई दे दिया, ये ले लिया, ये हमने अलग कर दिया। अब इसको आप रीड करो, कनेक्ट करो। तुम आज अपने कंप्यूटर में यूएफआई को इंस्टॉल कर लेना। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम लोगों ने सीखा हुआ है कि एमएमसी आईसी के डाटा को कैसे निकालते हैं और डाटा का बैकअप लेने का तरीका क्या होता है यूएफआई के माध्यम से। तो आज का टॉपिक था डाटा को रिकवर करना। चलिए अब आप लोग प्रैक्टिकल करिए।